तो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी को से लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 104 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल मात्र 95 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 108 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी 4% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखें, पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 28 करोड़ के आसपास, पिछले साल 21 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे घट के 22 करोड़ के आसपास है। तो सबसे मज़े की बात ये क्या है पता है आपको, कि ये जो खर्चे जो है ना इसके ऊपर मार्केट को रिएक्ट करना है, इस खर्चे के ऊपर, क्योंकि मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि ये जो खर्चे जो होंगे वो इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो लगाए गए थे इस शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा, उसकी वजह से खर्चे ज़्यादा होने वाले थे। लेकिन ये जो खर्चे हैं वो पहली बार कंपनी की ओर से कम देखने को मिला, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 75.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 71 करोड़ का, अभी देखें तो बढ़ के 86.5 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे हिसाब से, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने मिला है। अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, बहुत बड़ा सरप्राइज है। जहाँ तक उम्मीद लगा कि मार्केट भी बैठा हुआ था और हर कोई बैठा हुआ था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कमजोर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने मिला है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको उल्टा बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में 85 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 80 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 97 पैसे के आसपास है। तो अब इस नंबर के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस वैक्सेस लगाए गए थे अब सब खत्म होने वाला है, उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है शेयर के ऊपर, और ये शेयर अब फिर से आप एक अच्छे खासे लेवल की ओर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी शेयर 120-130 रुपये के लेवल पर लटका हुआ है। तो इस नंबर के बाद हो सकता है ये शेयर आपको आराम से फिर से 160-180 के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।